एक बार में बोलो आप। दुल्हन बन के फोटोग्राफर से लड़ाई नहीं करनी सुबह सुबह। बाय। ये डाल देती। ये देखो ये है लड़की। कौन बोलेगा ये ब्राइड है। अब तो वैसे लग रही है सुष्मिता दुल्हन। आज लग रही है। हाँ अब लग रही है दुल्हन। तो साल पहले दिन से तीन दिन से ही रहती है। तो तीन दिन से ये पहन के घूम रही होती। इसीलिए तो चाह रही थी आ जाओ आप ही को नहीं सुनना। वह तीन दिन से रह लेती कोई फोन नहीं करता। बाय बाय। हमको दुल्हन बने देखेंगे अब सीधे। तुझे कैसी लगेगी यार तू छोटी सी दुल्हन। मैं तो पहले हंसूंगी थोड़ी देर इसको देखने के बाद। बट पता है मैं तो फट लेगी। ये तो पक्का है मेरा तो लगता है पक्का है। पता है एक दिन ऐसे ही सिर्फ कोई बात हो रही थी और शाना उस दिन रोती। ये पता नहीं कोई बात हुई कि यार सुविधा चली जाएगी लड़की पर आई हो जाएगी ऐसा लग रहा है एकदम। और मैं अकेले ड्राइव करते करते बात कर फोन पे रो पड़ी। तो घर पे भी तो रोए थे। उस दिन तो बहुत ही रोई थी मैं। उस दिन तो इसको एक दिन फोन पे भी रोई थी छोटे मासी के पास। बहुत बुरा रोई उस दिन तो मेरी मासी के घर पे। मैं मासी के घर पे फिर कीप योर टिश्यूज रेडी। वो नहीं रहेगा वो घर जाके होगा। मैं चली जाऊंगी विदाई के टाइम पे पहले इधर उधर। चलो बाय बाय। गाइस हम हो चुके हैं तैयार सुष्मिता की शादी के लिए। और मेरा गला पता नहीं अभी भी सही नहीं हुआ। चार पांच दिन हो गए ऐसे ही हो गया मेरा गला। मेरे को लग रहा मेरी असली आवाज़ ही यही है। और अभी मैं दिखाता हूँ हमारी ब्राइड बीवी सुबह 7 बजे से तैयार हो रही थी अपनी मेकअप डेंटिंग पेंटिंग के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बीवी ये बन बना मुँह के साड़ी पहन पहन के। हाँ भाई अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये देखिए ब्लैक साड़ी। हाँ मैंने पहन रखा है ब्लैक पठानी सूट बिल्कुल मैचिंग मैचिंग क्योंकि हमारी ब्राइड बीवी रेडी। और कितने बजे से देख दो घंटे लगे साड़ी पहन। एक घंटा लगा साड़ी पहनने में। 1 घंटा लगा है। थैंक यू सो मच सुप्रभात ने मेरी साड़ी बनवाई है। इतनी अच्छी साड़ी मैंने खुद से कभी नहीं पहन पाई या किसी और की हेल्प से भी। जितना सुप्रभात ने डलवाई है इतनी अच्छे से। मैं तो पहली बार किसी की शादी दोपहर में अटेंड करने जा रहा हूँ। नहीं मैंने की है अपने महाराष्ट्र वाले फ्रेंड्स की। और सुबह सुबह उठते ही ये बहुत खराब चीज लगती है कि नींद खुले नहाओ और सीधे मेकअप करने बैठ जाओ। बहुत ही खराब चीज लगती है। ये कल भी हुआ था ये आज भी हुआ है। हम दोनों ने आज पहना दोनों ने ब्लैक। सुप्रभात ने ब्लैक पठानी और मैंने ब्लैक साड़ी। क्योंकि सुप्रभात को था कि लड़की वालों के साइड से सब साड़ी पहनेंगे कोई लहंगा नहीं पहनेगा। मैंने नहीं बोला था सुष्मिता के साइड से ऐसा था कि लड़के वाले सब लहंगा पहनेंगे लड़की वाले सब साड़ी पहनेंगे। तो मैंने साड़ी पहनी है। ये है मेरी साड़ी। और एक अच्छी चीज ये है कि मैं ब्लाउज में से सुप्रभात भी दिखाई देखा। बड़ी डबल मीनिंग बात थी है। ठीक है आपका नाम दिख रहा है। मैंने कड़े ये पहने हैं चूड़ा ओवर पहन ही रखा है। ब्लैक सेट पहन लिया मैंने सोचा पहले डायमंड सेट पहनने के लिए बट मुझे लगा ब्लैक ज्यादा बेटर जा रहा है। और बिंदी सुप्रभात की चॉइस की है। लड़कों का तो कुछ नहीं वही कुर्ता पजामा पहन के चले गए हैं। ये रहा हमारा आउटफिट। कुर्ता पजामा नहीं है पठानी है स्पेशल बनवाई है मैंने। पठानी कुर्ता पजामा सेम ही तो हो गया। मैचिंग तो बहुत अच्छी हो रही है ऐसे आज मैंने। ओहो मैं तो आज प्रॉपर मैरिड लग रही हूँ ऐसे हेयर स्टाइल। प्रॉपर मैरिड क्या होता है मतलब ऐसे लुक भी मैरिड वाला आ रहा है। पर मैं मैरिड हूँ ये मेरी कजन वाइफ है आज के लिए। अगर कोई भी सुंदर सुशील लड़की मुझे प्रपोज करना चाहे तो आई एम रेडी। ये देखिए सुबह सुबह आते ही सबसे पहला सीन रूम में हमें क्या दिख रहा है। मैडम अभी दुल्हन बन के भी पहले फोटोग्राफर को डांट रही हैं। ये लड़की अपनी पोज दे रही है हमारे व्लॉग में आपको सीधा सच दिखेगा। स्ट्रेटली बिहाइंड द सीन्स दिख रहे हैं हमारे व्लॉग में। ये एक लड़की की फोटोशूट में क्या क्या होता है। ये वाली लड़की तो गलत दिखा रहे हैं। अब ये तो फोटोग्राफर को डांट भी नहीं। दूल्हे राजा आ गए हैं अपनी बारात लेके। फाइनली ज्यादा लेट नहीं हुआ है सिर्फ 1 घंटा ही लेट है। 11 बजे का टाइम था 12 बजे पहुंच गए।
बहुत ही मजा आने वाला है शादी में, क्योंकि इंटर का शादी है, उधर से सुष्मिता बंगाली है, मतलब लड़की वाले बंगाली हैं और लड़के वाले भार्गव हैं पंडित। अभी मजा ये आएगा कि लड़के का वेलकम कौन से स्टाइल से होगा, बंगाली स्टाइल से वो हूं करके या फिर भार्गव स्टाइल से। आरती करो मां, संग चल रही है, संग कहां है।